बात बता रहा हूँ बेटा, कैमरा क्लोज कर लेना, ये सब्जेक्ट बछवाड़े पे दिला। तुम्हें क्या लगता है ब्रह्मा ने इस संसार को मानव जाति का निर्माण किया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्या काम कर दिया? तुम लोगों को समझाने के लिए बस ऐसे जरिया है, या तो प्यार से मारो या डंडा या तो कर। जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उस दरमियान महादेव नारायण अलग चीजों को बच रहे थे, ब्रह्मा के हाथ में आ गया मानव को रचना कार्य ढालने के लिए और बनाने के लिए। ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को बनाया, बनाने के बाद उनको आदेश दिया कि संसार में प्राणियों का जन्म तुम्हें देना है, उन प्राणियों से इस संसार की रचना होगी, सारी देवी देवताओं का स्थापना होगा। मनु और शत्रुपा कहते हैं कि जो आगे मनु शत्रुपा जिन देवताओं को जन्म देते थे उससे डबल दानों को जन्म देते थे, दानों को जन्म देते थे। अब भैया ब्रह्मा को दादा कहलाए ना, वो चाहे मानव हो चाहे दानव हो। जब जब टेंशन होता था, जब ब्रह्मदेव को याद आता था, ब्रह्मदेव पहुंच जाते थे, मानो तो बस दादा दादा करके अपना जो भी है, हे ब्रह्मदेव हम इस तरीके से लाचार हैं, ऐसे वैसे हैं। दानव साले ना तो मानव का हुए ना भाव के हुए, दानव ब्रह्मा को बहुत गालियां देते थे, अरे तू क्यों बना डाला, कौन बोलता है पंचमुखी है तू, तो इस नजर मुझे छोड़ना है। अब ब्रह्मा जी बोले साला बनाओ, अभी ऊपर से गाली भी सुनो बता। अब ब्रह्मा नारायण से जब जब कहते हैं कि है नारायण हमें बहुत गिल्टी फील, मतलब मैं इंग्लिश बोला, मुझे बहुत तकलीफ होता है जब पृथ्वी के प्राणियों से मिलने जाता हूँ, वहां के जो गाना होते हैं बहुत बड़े सीधे शब्द बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा। जरा आप देखो तो बोलते हैं ये ब्रह्मदेव ये सृष्टि की रचना तुमने की है, उसका कारोबार हमने सौंपा गया है, और हम पे और महादेव पे और पूरे देशों का पूरे सात ब्रह्मांडों का है, तो ये पृथ्वी की रचना नहीं देखी जाती हमसे। बोलते हैं परंतु मैं तो यहाँ पे गालियां खा खा के थक गया हूँ। बोले अब महादेव से संपर्क कर, महादेव को जब बोलते हैं कि अब बताओ मैं क्या करूं, मैं ऐसा तो महादेव बोलते हैं ऐसे ब्रह्मा को आते देखते हैं वैसे ध्यान में चले जाते हैं। अब महादेव ध्यान में, ब्रह्मदेव बोले ध्यान थोड़ा तो नाश कर देंगे, इसलिए भैया शांति रहो। फिर इनको पुकारे, फिर आए तो इसमें रचना रचना क्या हुई, सावित्री माता को अच्छा नहीं लगता, पति को कोई गाली दे वो सहन नहीं होता, इसलिए ये चारों तरफ से उन्होंने गेम किया, ये ना तो तुम्हारे शास्त्र में मिलेगा ना तो वेद में मिलेगा जो मैं बता रहा हूं सच्चाई। इंडिया के अंदर पूरे जगह पे एक ही तीर्थ है पुष्कर, पुष्कर में उन्होंने महादेव से नारायण से निवेदन किया कि जो प्राणियों को हमने बनाया है मरने के बाद उनके मुक्ति का कारण अगर कोई होना चाहिए तो हम एक तीर्थ बना रहे हैं पुष्कर, जहां पे लोग अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं। तो उस पुष्कर का तो हमने निर्माण कर दिया है, परंतु उसमें यज्ञ करना बाकी है। अब ये करना है तो ये करना है तो फिर हमें करना पड़ेगा, वहां पर शासन की माता कर देती है कि क्या कि वही आदिशक्ति वही परमेश्वर, वो तैयार होती है, वक्त बीता जाता है, समय निकलता जाता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे इंद्र हवन के लिए जो यज्ञ करने वाले हैं हमारा उसका टाइम जा रहा है, देखो तैयार होने के लिए। बोले वो टाइम लग गया, इंद्र ने भी यहां पर कर दिया। तो एक गांव गरीब घर की एक कन्या बोलते हैं चलो उनको लेट हो रहा था, कोई बात नहीं यज्ञ करता रखते हैं। उसको लेके आए, उसका नाम गायत्री था।
उसको नहला धुला के साफ कपड़े पहनाकर दिखाए। जैसे हवन स्टार्ट हुआ वैसे सावित्री माता पहुंची और क्रोध में ब्रह्मदेव तुमने मेरे साथ में श्राप देना। इस पुष्पक के अलावा कोई भी मंदिर भैया कोई धाम नहीं होगा तुम्हारा। इस दृष्टि में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, बस पुष्कर ही है। अब श्राप को लग गया ब्रह्मदेव को चले गए भैया। ब्रह्मदेव बोले बस हो गया कल्याण। अब यहाँ संसार में तो सावित्री माता दिखती है कि भैया जैसे है सब कुछ है, लेकिन वहां पर दिखे फिर ब्रह्मदेव कहते हैं देवी बहुत उपकार किया, गाली खाने से बचा। तो ये ब्रह्मदेव का अपना हिसाब किताब है। लोग कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, मैं बना रहा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश उस समय में अनाउंस करूंगा पहले ये बनने के बाद। तो सबकी अपनी अपनी एक कथा है, अपनी अपनी वर्णन है। हर कोई नहीं समझता, जो आत्मा ज्ञानी हो आत्मा से ज्ञान परमात्मा से ज्ञान वो सदा सर्वदा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। उसके आगे सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी अभिलाषा नहीं बचता कि उसे संसार में क्या चाहिए। आज मैं हूं, रहने के लिए सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक ही टाइम खाता वो भी 50 बार पीछे पड़ते खा लो ठीक है खा ले कोई टेंशन नहीं। मेरे जितने इधर शिष्य है वो पागल रहते हैं, मतलब तुम लोग खाओ अपना पेट भरो मेरे पीछे मत भरो। मैं कभी खा भी लेता हूँ नहीं खाता पानी से जाता हूँ। तो ये सब माता महेश्वरी महादेव नारायण ब्रह्मदेव कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि आप सभी के बीच में जो कर रहा हूं सो उनके आशीर्वाद से कर। नारियल आ गया, नारियल आ गया। लक्ष्मी वाला का नारियल अभी पीछे नहीं आया ना। मैं सबको गा के भी सुना सकता हूं। लोग कहते हैं किसी ने कमेंट लिखा था ये लो ये महाराज ने डांस कर लिया। अरे भैया मैं पहले ही बोला था 2017 में अतरंगी बाबा मैं खर्च भी कर सकता हूं। अरे जो ज्ञान है जो ज्ञान जो गानों में है उसका भाव वही निकाल सकता है जो और अज्ञानियों को बिठा तो उस भाव का पता ही नहीं है। बस थोड़ी सा कमर हिला लिया ये करके हो गया कल्याण। अरे भाव दिखना चाहिए गाने में, भाव नहीं है तो फिर कुछ नहीं। अभी गाना मुझे याद नहीं है, वो सरस्वती माता देंगी महादेव देंगे उसके गाना नहीं बुलाया ये अपमान की बात है। और एक स्त्री अपने पति परमेश्वर की पहचानी नहीं सक सकती, इसलिए हे नाथ मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। महादेव कहते हैं कि नहीं मत जा छोड़ो तुम्हारे पिता ही तो है। माता कहती है कि जो नियम नियति हमने बनाया यज्ञ बिना ब्रह्मा विष्णु महेश के नहीं हो सकते, ब्रह्मा विष्णु को उपस्थित हुए महेश ही नहीं है। तो उस यज्ञ का क्या लाभ जो यज्ञ काम में ना
और ये अनर्थ होने से मुझे रोकना है और वहां पर मालूम होता है ये जाएगी तो जरूर आएगी, रिटर्न नहीं है। महादेव कहते हैं नहीं मत जाओ। फिर माता कहती है कि हे महादेव, महादेव नाम नहीं होता, बोले हे शिव, महादेव उस समय नाम नहीं होता, बोलती है कि हे शिव मैं जा तो नहीं हूं, मैं नहीं आया, आई तो समझ लेना कि तुम्हारी सती सती हो गई, तुरंत ये अनर्थ मैं नहीं होने और आप क्रोध में नहीं जाना। जब बाबा जाती है दक्ष राजा से शरारत होता है, सभी देवताओं से शरारत होता है, नहीं मानते। पहले के कुंड बहुत बड़े होते थे, हमारे कुंड बहुत बड़े होते थे, तो लाख बनाने के बाद कोई नहीं मानने को राजी होता। जब उसे संस्कार दिया गया माता का, तो माता जब रिटर्न आने के दरमियान में देखा कि इस हवन के अंदर ही अपने आप की आहुति दे देती है, सब समाप्त। जब हवन के पास रिटर्न आती है और बोलती है कि हे दक्ष राजा, तुझे मैंने वरदान दिया था कि तेरे घर में मैं कन्या बन के आऊंगी, जिस दिन तू अनर्थ करेगा उस दिन तेरी क्षमा भी बहुत नजदीक आ जाएगी, इसलिए मैं इस हवन के अंदर अपने प्राण को त्याग रही हूं। इसीलिए कहते हैं हे महान हो आप, शिव महान हो, आज से आपका नाम महादेव रखा जाएगा, आप महादेव हो, महान हो, आप मुझे समझना है और मुझे यहां तक आने की अनुमति दी, और वो हवन को गई कर जाता है। ये सब सालों में टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा, आगे की बात उसने देखा है, अब आगे क्या होता है। महादेव को पता चलता है कंट्रोल होते हैं, उन्होंने वीरभद्र को भेजा, तहस नहस करा दिया, उन्होंने कसम खाई थी, माता ने बोला था अगर मेरा कुछ भी हो जाए तो मेरे बाप को माफ कर देना, राजा दक्ष को माफ कर देना, परंतु बाप को अपने जवान से कोई भी कटु शब्द नहीं बोलना ताकि उनको पछतावा हो। राजा दक्ष से धड़ अलग कर देते हैं वीरभद्र, उसके बाद सब शांत होता है। महादेव पहुंचते हैं, महादेव पहुंचते हैं, उस हवन कुंड को देख के अब हवन कुंड हो गया शमशान, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो जब जब उसके अंदर जब कूदने जाते हैं तो नारायण कहते हैं महादेव, जिस सृष्टि को आपने बनाया, सारे नियम लागू किया, उन सभी के भावनाओं को लेकर इस हवन कुंड में कूद जाएंगे तो सृष्टि का क्या होगा। महादेव कहते हैं कि नारायण, मुझसे मेरी शक्ति छीन हो गई, अब मैं क्या करूं, इससे अच्छा है कि मैं हवन में ही समाप्त हो जाऊं, सती के साथ में कोई और एक दुनिया बनाऊं। कहते नहीं महादेव, नहीं आप इतना परेशानियों में मत जाओ, आपके ऊपर पूरा भार है, पूरे विश्व का भार है। महादेव कहते हैं कुछ क्षण के लिए मुझे यहीं पे रहने दो, तुम्हारे नियम और नियमों को मैं एकाग्र करके मैं इस आसमान की ऊंचाई पे छोड़ रहा हूं, जब मैं यहां से बाहर आऊंगा तो फिर धारण करूंगा। उन्होंने सारा एकाग्र करके अपने मन को चिंतन में लाकर सारी चीजों को रखा इधर और हवन कुंड के अंदर गोद लिया। अब टीवी सीरियल में दिखाता कि हवन कुंड में हाथ डाला और शरीर को उठाया, आगे चले गए, ऐसा कुछ नहीं, वहां से अधूरी प्रथा का स्टार्ट हो गया, प्रारंभ। जब हवन कुंड में कूदे तो दुनिया अलग बन गई, संसार माता आदि शक्ति परमेश्वरी संसार वासिनी के नाम पे संसार में वास कर गए और महादेव वहां अघोरी बन के बैठ गए, वही संसार में रह गए और माता सती दूसरी रूप में मिल गई। इस सृष्टि में बहुत तहस नहस हो गया, दानव की संघार, दानव संघार करने लगे, देवताओं
महावीर मिशन को भी हो गए थे उस समय। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है कि हम क्या है। माता को वहीं पर महसूस करते उसे रूप में देखने की कोशिश करते गए परंतु ऐसा कुछ नहीं। पर्वतराज के पास जन्म लेती है माता। जन्म लेते ही जो है उनकी भक्तनी हो जाती है और उसके बाद कहानी में मोड़ आता है। लोग कहते हैं कि दुख किसने काटा है? राम भगवान कृष्ण। अगर इस पृथ्वी पे इस पूरे ब्रह्मांड में किसी ने दुख काटा है तो वो महादेव ने काटा है। सबसे दुख सबको देखे जाते हैं लेकिन महादेव का दुख कौन देखेगा भैया? वो अपने दुख में रहने के पश्चात संसार का परिदृश्य देखना, संसार में जीव जंतुओं को पालना उनका कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया है महान महादेव। सदा सर्वदा हम सभी ब्रह्मप्राणियों को यह याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर शिवी है, हमारे अंदर जो आत्मा है चिंगारी है जो उस द्वारा सरस्वती है और हमारे समाहित हो गई है लाशा समाप्त होती है। तो हमें उनपे ध्यान देना चाहिए, महादेव का स्मरण करना चाहिए, माता का करना चाहिए तो सब कुछ सफल होगा। अन्यथा तो वही गाना होगा जन्म जन्म तक समाधि बोलेंगे जन्म जन्म तक तू है भटका अब तुम अपने ही कर्मों से लटका कर्म बनाया तूने तू ही मिटाएगा कर्म क्या जो नियम है जो नियम भी है उसी में आपको ढलना होगा। मैं गौर होता हूँ तुझे माफ करने वाला। तो जब अपने पापों से उद्धार हो जाएगा तो अपने आप में साकार हो जाएगा तब मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। वरना क्या मूर्ति भी अपने पछवाड़े पर लेने के लिए हमने सिखाया है क्या? हाँ तो इसमें ना दोष महादेव का है ना ब्रह्मदेव का है ना नारायण का है। अगर दोष है तो हमारा अपने आप का है जो हम अपने आप में चिंतन नहीं करते। बस पैसे आ गए खुश हो गए भगवान को भूल गए। एक लाइन आती है कृष्ण भगवान जब अपने स्वधाम के लिए जाने चालू करते हैं द्वारिका में जाने लगते हैं हसीना को स्वतंत्र होने के बाद कृष्ण कहते हैं जितने भी प्रजा होते हैं सबको कहते हैं जो कुछ भी मांगना है उसे मांगो हम दे देते क्योंकि कल सूर्य उदय होते ही हम निकल देते। सुबह होता है सारे पूजा लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे कृष्ण मेरी बीवी नाराज रहती है। बोले लो भैया ये भी काम रहता है चलो थोड़ा सा खुश रहो। बोले घर नहीं है दे दो भैया, दौलत नहीं है दे दो भैया, सब कुंता महारानी साइड में खड़े होकर देख चुके सब सब कमीशन देते रहते हैं देते रहते हैं। देखते कुंता महारानी को कुंता महारानी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे बुआ सब कोई कुछ ना कुछ को मांग रहा है आप क्यों नहीं मांगो आप भी मांगो। अब कुंता महारानी ऐसा अपना आंचल लेती है और ऐसे कृष्ण के सामने फैला जाती है और बोलती है हे कृष्ण अगर मेरा ही चाहते हो तो इस झोली में मुझे दुख दे। कृष्ण कहते हैं बुआ ये क्या कर दिया आप? अगर आप एक बार बोल देती कि कृष्ण तुम्हारे शरीर का आधा टुकड़ा होने चाहिए तो मैं खड़े खड़े अपने आप को चीर देता और तुम्हारी झोली में डाल देता परंतु ये बुआ ये क्या मांग लिया आपने? सब कहते हैं कुंता महारानी दुख में सुमरण सब करे सुख में करे ना कोई सुख में सुमरण जो करे
तो दुख काहे को होए, तो हमें दुख ही चाहिए ताकि मैं कृष्ण कृष्ण बोलते रहूं। मैं उस भौतिक में नहीं जाना चाहती, भोग उदास में नहीं जाना चाहती जहां से कृष्ण नाम ही निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी कंडीशन से रहो, भगवान को याद करना मत छोड़ो। भगवान कहता है तू मुझे एक बार रुका देगा, मैं तेरे तरफ 100 बार देखूंगा, आने वाली बुराइयों को भी नष्ट कर दूंगा। ये हर इंसान के अंदर एक आदत सी होनी चाहिए, ये आदत होनी चाहिए। भगवान से दुनिया में बनाओ, भगवान से शरीर भी बनाओ, भगवान को भगवान मत, भगवान को पहले आज से तुम लोग नोट कर लेना, भगवान को बाप कहो, भगवान मत कहो। भगवान करोगे तो दूर हो जाएंगे और पिताश्री कहोगे तो नजदीक, क्योंकि हम उसी के अंश से बाप कहने में क्या दिक्कत है भैया, कुछ दिक्कत है क्या, पैसे ज्यादा क्या। आप नियम और नियति का पालन करो, उसके अनुसार चलो, सब कुछ रहेगा। नहीं रहे नहीं भाई, मैं प्रदर्शन कर देते थे गला बैठ में तुमसे जो तंत्र लगाए पागल बनाने वाला तंत्र लगाए, पता है कि नहीं पता है, पता है दिमाग काम करता है नहीं करता ना, भूल जाता सब। एक नारियल सो देना आशु मरानी का तंत्र लगाए इसमें, नारियल में वो बेटा नारियल में घी हनुमान वाला सिंदूर, हनुमान जी वाला कच्चा सूत्र ये ले लो, पूरा नारियल को रेड करना है। कहां से आ रहा है? अच्छा, कितना लेट? चलो ठीक है, ट्रेन में तो लेट होगा और क्या। घी से घी लगाना, घी तुम लेट आओगे तो क्या होगा, मारो तो काम खत्म हो गया भाई। हम दो माइक का उसको बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम मेरा सुशील यादव है। माता पिता का? स्वभाव की देवी माता का नाम है और पिताजी का नाम है ताकेश्वर यादव। पड़ोसियों ने तंग कर दिया है, क्या कर दिया, तंग कर दिया, बोलेगा? मतलब मैं पहले बाहर काम करता था, फिर उसके बाद मैं घर पे गया, वो आज 5-6 साल से बहुत परेशान हूँ। तो वही तो बोल रहा हूँ, पड़ोसियों ने तंग कर दिया तुझे। और फिर ऊपर से मेरे घर में बहुत उल्टा सीधा हुआ, जैसे कि लोग कहते हैं ना तो नहीं आपका, ऐसा था एक लोग के ऊपर। और उन्होंने क्या क्या कर दिया, अब उनकी कुछ समझ में नहीं आए। 5-6 साल से करते, मैं आपसे काशी में भी मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल पाया, मिलना चाहता था नहीं मिल पाया, लेकिन भागते भागते वो वीडियो में जो भैया थे ना उन्हीं का नंबर से यहाँ तक आया। एक बार मुंबई आ तो भूले नाम भी इज्जत खराब करना वीडियो से नहीं। गुरु जी मैं इज्जत आपका नहीं खराब कर सकता, मेरा दिमाग तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, इज्जत खराब क्या करेगा। अब मेरे नाम से लूटना चालू कर दिया तो माता रखें। चलो नारियल लेंगे, हाथ में पकड़ बेटा नारियल से लोग एक अपना जो है कि लक्ष्मी माता का ले लेना हाथ में, और मैं एक साथ माता कर देता 2 मिनट को मुझे। अभी तेरे शरीर को चेक कर लेगा। ओ बेटा क्या क्या है नरेंद्र, इसमें बहुत अंतर अच्छा है नरेंद्र।
और मशीन लाए, और मशीन लाए क्या? नरेंद्र बाबू, नरेंद्र बाबू आप भोजनशाला में हैं, कृपया गुरुदेव के पास आने की कृपा करें। देखो तुम्हारे घर में जो है ना, घर जो है तुम्हारा जो छोटा सा रोड है उसे अंदर जाते हो, चार घर छोड़ने के बाद तुम्हारा घर है ना, रोड की लेफ्ट साइड में है। और आगे जाओ, पहले खड्डा था, अभी तो बहुत मिट्टी डाल दिया। गणेश्वर महाराज यही नहीं रहता रे बेटा, चारों तरफ रहता है। एक बार का दिल में समाई भैया करेगा भाई दोस्तों, अभी तेरे तंत्र कट जाएंगे। दिल में समाई मैया, दिल में समाई मैया, सांसों में चलती, सांसों में चलती, फिर भी क्यों मैया, फिर भी क्यों मैया, अब नहीं देखती, पागल बनाए, पागल बनाए, मेरे वायर तो लेना बेटे, चार्जिंग का मेन प्रॉब्लम वो है, चार्जिंग का वायर छोटा सारे उपचार है ऐसे यहां नरेंद्र बंद को हम हवा में लेके जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएंगे कि और मशीन कैसे चेक करके बताते हैं। सब लोग जान रहे हैं ये साइंस वर्ल्ड साइंटिस्ट लेवल के है और मशीन चेक करो। नारियल रखते नीचे बेटा, नीचे रख सो मत, उसे प्रूव हो जाएगा कि आप साइंटिस्ट। चेक करो ये और बस नहीं है, साइंटिस्ट है ना। 40% नेगेटिविटी है, चल निकल तेरी माँ का, बहुत सही है। अब चेक कर, मेरे गाली में वो दम है, वो धार है, गाड़ फाड़ के रखेगा, ये ध्यान में रख। कितना आया? 10%। हाँ 10%। 10 तेरी माँ की गली तू क्या शमशान में गाड़ दूंगा हराम खोर। ये साइंस से मशीन है, चेक करो। चल काल हूं मैं, निकल जाऊंगा। जीरो जीरो अब और मशीन की दृष्टि होती है वो देख सकता है निकल से।
अरे शरीर से जो निकलेगा वो जाएगा, जो जाएगा वो खाली करके जाएगा। पॉजिटिविटी 70% कितना चाहिए तुम्हें? नहीं फुल है। फुल है देखा, अब इतना गाली देने के लिए सासे वालों को 500 रुपए ले लिए महाराज ने। चल आशुतोष रानी को भेंट दे देते, पकड़ाते हैं। तंत्र कर गया, समझ में? अब इधर गाली दो तो सब के भाग लेंगे। बोलो दिनेश्वर महाराज की, दिनेश्वर महाराज की, जोर से दिनेश्वर महाराज की। चलो हे माते मातेश्वरी, हे प्रभुदा परमेश्वर, हे नारायण ईसा काटी आप ही काटिए, ये खच्चे में लेके जाइए। हे बड़ा कच्चा सच्चा सूत है, लपेटा है, एक लीटर डालो, 5 लीटर बत्ती लो, रिपोर्ट दे देना, जला देगा। तेरा मशीन होगा मेरी आवाज है, बस राम से बैठ।
आपके सलाम डांस करके बता डांस कर कर डांस मैं हूं तेरे साथ आप क्या फिल्मी कर रहे बैठे खेले चलो चलो भाई इतना तो हो जाता है चलो लक्ष्मी माता करो ओम श्री लक्ष्मी Thank you.
बताओ साफ सुथरा कैसे लग रहा है ये बताओ, साफ बताओ। क्या है नहीं है इधर आ जी बंदो, कैसा लग रहा है सभी को? हाँ सब लोग बताओ कैसा लग रहा है? अब कल मंत्र दीक्षा मिलेगा, मस्त हो जाना। वो फिल्मी गाना था, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त के रोटी दाल मस्त हर सब मस्त है अपने मस्ती में, सब मस्त है अपने मस्ती में, हम मैया के हैं बस्ती में, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त तो खाल की रोटी दाल मस्त। ओ ये दरबार है सबसे निराला, सब अरे लोग बचा के रख ले वो कब आएगा, सर से उतरेगा वो रख दो जाएगा, सर से उतरेगा बंगरोड़ा। अभी देखो तुम्हारे अंदर से हमें कितना साथ लग गया है, अब साड़ी लेके पहन लेना भैया, है ना, तुम्हारे दुश्मनों की तो कमी नहीं है, पूरा टीका तो दिनेश्वर महाराज भी नहीं क्या सब आप नहीं ले सकते, है ना, और मेन क्या ताजी ले लोगे तो तुम्हारे लाभदायक होगा तुम्हारे लिए, और बंधन मालूम वेबसाइट पर कितना मांगा जाता है, यहाँ पे तुमको उसमें बहुत लाभ अच्छा है, ले लेना वहां से, और अभी पानी का बोतल और सात अगरबत्ती उठाओ, नहीं पांच अगरबत्ती उठाना, लॉन्ग ले लॉन्ग ले लो पहले लॉन्ग, अभी क्या करना है लॉन्ग को मालूम है, लॉन्ग नाभी पे लगाओगे, ज्वाइंटों पे लगाओगे, सब लोग खड़े हो जाओ, सब जितने भी ज्वाइंट है, ये पंजे का ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, फिर इधर ज्वाइंट, रीढ़ की ज्वाइंट, सारे ज्वाइंट लगाओगे तुम्हारे दर्द वर्द सब चले जाएंगे, ठीक है, फिर बातें बात चले स्टार्ट करिए। हाँ कपूर जल रहे हैं उधर, आंगनार जल रहे हैं ना, आंगनार जल रहा है, आंगनार जल रहा है, सबसे ले लो, हो गया आंगनार जल रहा है, नारे वाले जल रहे हैं, हम अपने नाम दे लो आजा के जाते हैं ना, पहला करना, अरे कोई लॉन्ग ले लो सबसे, ले लो हो गया, और एक कोई यार। एक जाओ ईश्वर साहब आप यहाँ जगह पानी खड़े हो, भाई
अरे जब तक भोलेनाथ का गाना प्ले कर दो भैया। हाँ जायफल बचा तो गा के बताऊंगा। मैं जब लाइव आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जान दो यार सब प्रवचन में सही है, नहीं लाइव आओ तो सारे तंत्री पागल हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो गाना भी गाता नहीं कोई। अब बोलेंगे गाना गाता है तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें, अब इसीलिए इनकी इनकी सुन गानी है तो इनको गा के बताओ। I'm
जस ही बनाए पानी पानी खोल के रखो रात थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा तो पानी से गिराना ठीक है सब लोग पानी रात से गिराओ मत पानी पानी अंदर गिराना ठीक है खगुरेश्वराय नमः ओम खगुरेश्वराय नमः बोलो ओम खगुरेश्वराय नमः ओम भस्म बनाय भस्म बनाए भोरे जल में समाए मन गिरे दो पवित्र बनाए भूत भी तुमसे प्रेत भी तुमसे उसको खुद गुरु में झूठा नहीं करना है पानी अगरबत्ती एक जगह लगा देना सुनो मेरी बात अगरबत्ती एक साफ सुथरी जगह लगाना वो लाख ये सब ले लेंगे ठीक है पानी थोड़ा सा शरीर में छिड़क लो अब चलो जाओ खाना वाना खाओ सब लोग अगरबत्ती सब इकट्ठा गाय पानी पानी को आप क्या है क्या लड्डू किसको नहीं दिया तुमने अरे अपने पितर को कुलदेवियों को देना था जाओ वहां वहां पे रख दो जाओ लड्डू लाओ रखो और वो जो सात जला दिया ना अपने कुलदेवी और पितरों के नाम पे लड्डू रखो ठीक है चलो जाओ खाना खाओ आ जाओ गाने बजाने के लिए आप लोग तैयार कर दो अपना अब गा के बताओ तो सब तकलीफ हो जाएगी अगर बच्ची एक जगह पर रखवा दो वहां से रात उठा लेंगे ठीक है हेलो गुरु जी एक बात कर सकते हैं हमें ये कहता है वो मंदिर कहाँ है पति तुम्हारा हाँ देख लिया अब खाएगा वो जाओ गुरु जी अभी मैं दो तीन बार आ चुकी हूँ बहुत तकलीफ में हूँ कहाँ आई थी यहाँ पे आई हूँ 6 साल में आई
ऑफिस में भी आ चुकी हूँ। कौन सा ऑफिस आई थी? मुझे नाम नहीं मालूम, मेरा पति को मालूम। कहाँ आया था? नाला सुबह गुरु जी नाला सुबह में आया था। गुरु जी अभी इससे तीन बार हुआ। कभी कभी आया था? कितने कौन से साल में आया था? अभी तीन साल हुआ गुरु जी। एक्चुअली क्या है, तुम्हारे पति की मजबूरी क्या है मालूम है? इनको इसको खिलाया गया, ठीक है, और ऑफिस में सुबह खिलाए पिलाए मैं निकालता नहीं था उसे, और वो जितना था मैंने सब काट दिया है, ठीक है, और जो नाभी वाली चीजें हैं उसको उल्टी करा के ही निकालना पड़ेगा। अरे हम तो सब कुछ कर सकते हैं ना भैया, बताएंगे उसका टाइम बताएंगे तुम्हें, टाइम उसका नहीं है। जाओ खाना खाओ, सब हो जाएगा, जाओ जाओ खाना खाओ। गुरुदेव मेरा मेरे पितरों को मुझे भी प्लान ने दिया है, क्या खाया था तो जरूरत है तो दे दो। दे दो ठीक है। पानी और अंदर डाला गया, मैं बोला ना कुछ लोग हैं इसमें खिलाए पिलाए वाले मटेरियल है, जैसे कुछ आने बुरा ऐसे हो रहा। नाभि में तुम्हारे संस्थान की राख डाली गई है, आगे बताओ। गुरुदेव के पास सब जुगाड़ है, बस तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। मेरी वाइफ है, ये भी सुख के लिए पता नहीं क्या हो गया। शमशान के वारों से कोई नहीं बच सकता, ठीक है, और ये तुम्हारे घर में परेशानियां तो है काफी टाइम से, लेकिन 7 सालों से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो सिर्फ उल्टी के माध्यम से ही ठीक होगा, ठीक है। जितना मुझे कंट्रोल करना था तुम्हारे नाभि में बंधन मैंने मार दिया है, सब सारी चीजें कर दिया है, ठीक है। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? नमस्कार गुरु जी, आपका जन्मदिन का शुभकामना। हम तिरुपति से आए आंध्र से, मुझे तबियत अच्छा नहीं रहता सर। पहले जाके आप हेलो, पीछे जाइए आप लोग, पहले महिला लोग जो है, पहले महिला लोग खाना खाइए, जेंट्स